हेलो दोस्तों, ये प्रोनाउन का दूसरा वीडियो है। आप पहला वीडियो पहले देख सकते हैं। प्रोनाउन के भेद, प्रोनाउन के मेन रूप से पांच भेद होते हैं, यानी कि पांच प्रकार होते हैं। वैसे होते छह हैं, लेकिन हम पांच ही मेन रूप से पढ़ते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु का मेन फोकस हो। जैसे कि ही इज ए प्लेयर, तो ये क्या है, ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगला है रीना इज माई गर्लफ्रेंड, तो ये रीना क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे कि दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है, तो क्या ये संकेत कर रहा है, दिस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा देखते हैं दोज आर बॉयज, तो ये दोज क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है, ये क्या है, संकेत कर रहा है, दोज आर बॉयज, वे सब लड़के हैं। हालांकि ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, सर्वनाम का डेफिनेशन क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंध वाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट, यह वह लड़का है जिसका पेन खोया था, तो यहाँ पर हुज क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करता हो। जैसे कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो यहाँ पे जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और पांचवा देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पर काम का प्रभाव कर्ता पर प्रकट हो। जैसे कि ही सेंग हिमसेल्फ, वह स्वयं गाया, आई वेंट माई सेल्फ, मैं स्वयं गया, इसमें क्या है, काम का प्रभाव क्या है, कर्ता पर पड़ता है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और वैसे एक और होता है, छह होते हैं, लेकिन मेन रूप से पांच ही हम पढ़ते हैं।